वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत में हौसला बुलंद बदमाशों ने मारपीट कर कर दिया घायल। भगवान सिंह चौहान का काफी नाजुक हालत बताई जा रही है। मौके पर शासन प्रशासन नहीं था। इस बाबत बताया जा रहा है कि आलोक चौहान, मुकेश चौहान, विष्णु ड्राइवर को उंदी में छोड़ करके मुकेश चौहान, आलोक चौहान वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में 10 से 12 लोग बीच रोड पर शराब पी रहे थे। 10 में करिया बगड़ा, नीरज सदना, सूरज गोधन और काफी अज्ञात थे। हॉर्न बजाने पर रोक कर आलोक मुकेश को बहुत बेरहमी तरीके से मार पीट दिए। मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे भगवान सिंह चौहान को मूल निवासी पलिया शंभूपुर के हैं, उनको मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उनकी जेब से करीबन 20,000 रुपए और मोबाइल निकाल लिए, गाड़ी भी तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में दबंगों का हौसला बुलंद। शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। वहाँ पे क्या मामला हुआ था? हम लोग दो लोग बाइक से आ रहे थे। हाँ? और वो ऑटो से पिए हुए थे। हाँ? हम लोग फॉरन मार रहे थे, वो लोग साइड नहीं दिए। हाँ? फिर हम लोग साइड से एकदम दाती से निकाल लिए, निकाल कर हम लोग पीछे तक गए तो गाली देख माधवचंद की पीछे तक रहे हो। हाँ? हम लोग छोड़ दिया कि जाने दो, तो फिर हमारे आगे लाकर गाड़ी धड़ाम तो धक्का मार दिया, तो हम लोग गिर गए। तब फिर हम लोग रोक दिए, हम कहे क्या बदतमीजी है भाई, तब तक और दो चार लोगों को बुला के हम लोग को लेकर मरवाने। तो आप ये बताइए, तो जो घर वाले जो घायल हुए हैं, गोरख सिंह चौहान जो पूर्व प्रधान भी हैं, तो इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? अरे उनको बुला गया कि चचा यहाँ पर झगड़ा हुआ है, वो लोग आए, उनको कुछ भी बोले ही नहीं, तुमको तुरंत उन्हें भी लगे मारने। मान लो कोई मतलब जो है कि सुनवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सब लोग मारने पे ही थे, तुरंत ही मारने चालू किए, मतलब बात सुनने को तैयार नहीं थे, कुछ भी नहीं। बाबू क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। जो है क्या विवाद था? वही था, हम लोग एक लड़का को छोड़ के आ रहे थे, तो वो जो था टेम्पो वाला तो हॉर्न मारे, तो वो लड़का वो हटा नहीं रहा था, तब हम लोग दाती से ले गए हटा कर, पीछे ताके तो बोल रहे क्या ताक रहे थे, माधर चूत गरिया रहा था अंड के बंड। उसके बाद हम लोग सोचे कि जाने तो छोड़ो तो चलो आगे, उसके बाद आगे आकर फिर गाड़ी रोक दिया गपते झटके में, दो बार हम लोग गिर गए। उसके बाद आगे गए तो गाड़ी रोक कर लगा कर यानी हम लोग उस जगह रुक गए, तब तुरंत सबको बुला लिया मारने के लिए, लगे मारे तुरंत। कौन गाली दे रहा था? वो जो टेम्पो चला रहा था। कहाँ के थे वो निवासी लोग? तो वंदी का निवासी था, शिवपुर थाना क्षेत्र का। तो कितने लोग मारे पीटे हैं? 15-20 लोग थे। किसकी हालत गंभीर है? वो एक हमारे मामा है, गौरव मामा, उनकी हालत गंभीर है। तो आपके भी चोटें आई हैं? हम लोग को भी। किसको चोटें आई हैं? हमको आया और एक छोटा भाई था उसका आया। उसको कितने लोग को आई है? 3 लोग को। 3 लोग को चोटें आई हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाँ, गंभीर। शिवपुर थाना क्षेत्र का मामला था। हाँ। उंदी के निवासी थे लोग। हाँ।